आज मैं आप लोगों के लिए दो उपाय लेकर के आया हूं। पहला उपाय तो ये कि लाभ प्राप्ति कैसे हो। आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहते हैं और आपको लाभ नहीं मिलता, तो सबसे पहला उपाय बताऊंगा जिससे आप लाभ को बढ़ा सकते हैं। और जब लाभ की वृद्धि होगी तो निश्चित ही धन लाभ होगा और धन का आगमन अच्छा होगा। और जब धन का आगमन होने लगे तो उस धन को भविष्य के लिए बचा करके कैसे रखा जाए, ये उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला उपाय कि लाभ प्राप्ति हेतु आपको क्या करना चाहिए। करना यह है कि आज गुरुवार के दिन यदि आप अशोक वृक्ष के कुछ बीज तांबे के एक ताबीज में भर करके अपने कंठ में यानी गले में धारण कर लें या दाहिनी भुजा में बांध लें काले धागे में या पीले धागे में, तो व्यक्ति जो भी किसी भी काम में लगता है उसमें निश्चित ही लाभ प्राप्त करता है। कितनी भी हानि की, कितनी भी क्षति की स्थिति होती है आप उसको दूर कर सकते हैं। तो ये तो रहा लाभ प्राप्ति का उपाय। अब जब आपको लाभ मिलने लगे, आपके पास धन आने लगे, तो मां लक्ष्मी की कृपा कैसे आपको प्राप्त हो जिससे आप धन को संजो सके, आपके रुपए पैसे का नुकसान ना हो जो आपके पास आ रहा है, मैं आपको वो भी उपाय बता देता हूं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का आपको अवसर मिल सकता है। आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को हरे हकीक के 54 नगों यानी 54 मनकों की एक माला ले लीजिए और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में चढ़ा दें और नियमित तौर पे श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत, धनदा स्त्रोत का पाठ करें। इनमें से किसी भी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, चाहे वो श्री सूक्त हो, कनक धारा स्त्रोत हो या धनदा स्त्रोत हो। ध्यान आपको ये रखना है इस पूरे प्रयोग में कि जो माला अर्पित करने के लिए मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एक बार करने का प्रयोग है, बार बार आपको ये माला अर्पित नहीं करनी है। बस सिर्फ आपको ये एक बार माला अर्पित करने के बाद से आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, वो श्री सूक्त के स्वरूप में हो, कनक धारा या धनदा स्त्रोत के स्वरूप में हो, जैसे भी आपसे बन पड़ता, तो आप ये कर लीजिए। इन दोनों प्रयोगों को करने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके व्यापार में धन लाभ भी बढ़ने लगा है, जितनी क्षति हो रही थी वो रुकने लगी है। और इसको करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि पैसा अब आपके पास टिकता है, बचता है, आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए आपके सितारे में बस इतना है।